वंदे मातरम प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, शंकरा डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई, बहुत सारे अग्निवीर भाइयों के कमेंट आए थे और कॉल कर रहे हैं, एक तो एज को लेके, एक नेक्स्ट रिजल्ट जो नेक्स्ट भर्ती कब आएगी उसको लेके, और एक जो पीछे आपका रिजल्ट पेंडिंग है उसको लेके कब आएगा, वो सेकेंड फेज का रिजल्ट कब आएगा। तो उसके ऊपर ये वीडियो भाई दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, और जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो भी कोई भी अपडेट होती है आपको सबसे पहले शंकरा डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे मेरे द्वारा दी जाती है। तो भाई पहले तो बता दूं मैं कट ऑफ रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ, भाई रिजल्ट आपका बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है, क्योंकि पहले बोला गया था भाई जैसे नेक्स्ट भर्ती आओगी उससे पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट भर्ती है 8 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप सभी को पता ही सार सरसा फतेहबाज जींद के 8 से 21 शुरू हो जाएंगे, 21 लास्ट डेट है, 8 स्टार्ट है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे पीछे वाला रिजल्ट पे। रिजल्ट भाई बताया गया था कि उस फार्म जैसे स्टार्ट होगी उससे पहले पहले आ जाएंगे, तो जनवरी लास्ट वीक स्टार्ट हो गया है और होने वाला है, और फरवरी फर्स्ट वीक यानी कि 27-28 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है, जो जिन युवाओं का पेंडिंग है, कई ARO BRO ZRO है, हाफ हाफ हुए थे आप सभी को पता है, और इनकी ज्वाइनिंग जैसे रिजल्ट आ जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इनकी ज्वाइनिंग कर देंगे भाई, लास्ट 30 मार्च तक इनकी ज्वाइनिंग कर देंगे। ये होगी रिजल्ट की बात। रही कट ऑफ की, भाई बच्चे बहुत सारे डीमोटिवेट हो रहे हैं, भाई पहले ऑफलाइन था उसमें कट ऑफ आई गई थी, पीछे भर्तियों को देख लो आप, 2-3 ARO ZRO इसे थे जिसमें थोड़ी अप गई थी, 165 प्लस गई थी, बाकी सब की 135 से लेके 160-162 लग थी। तो जो ARO BRO बचा हुआ है उनका जहां तक है, जो नॉर्मल ARO BRO है जिनका फिजिकल नॉर्मल था उनका, भाई जैसे लखनऊ हो गया और उस साइड और हो गए, तो उनका क्या है ज्यादा से ज्यादा ये मानो कि 145-50-55, अंबाड़ा 145-50-55, दादरी है, दादरी थोड़ा टफ है, दादरी का भाई 160-170 के बीच में कहूंगा मैं, दादरी के 160-170 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और अभी आ जाते हैं नेक्स्ट भर्ती की। नेक्स्ट भर्ती भाई आ चुकी है, फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे अभी 8 फरवरी से, सभी भाई तैयारी करते रहें, तैयारी में जुट जाओ, टाइम कम है, अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम होना है, 8 फरवरी से 21 मार्च तक ये फॉर्म चलेंगे और अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा भाई। अभी सभी सबसे बड़ा सवाल था कि भाई उम्र एज, भाई फिलहाल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अखबार में बोली गई थी वह चीज बट नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, परमात्मा करे ये अपना 23 हो जाए, 21 GD का रह जाओ, क्लर्क का और नर्सिंग का पक्का है 23 होना चाहिए भाई, नर्सिंग का तो है 23, क्लर्क का नहीं है, ट्रेडमैन का नहीं है, और मैं तो उनको जीडी का भी 23 कर दे तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट में आप जरूर लिखना एज क्या होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता है भाई कमेंट में जो चीजें लिखी जाओगी उस पर थोड़ी ही ये होता है भाई, बच्चों के ज्यादा कमेंट आ रहे इस चीज के लिए, तो कोशिश रहेगी कि भाई हो जाए, तो आप कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और किसी भी भाई को आर्मी अग्निवीर के प्रति एज में या भर्ती के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर कमेंट में करया करो दोस्तों, एक वीडियो को शेयर करया करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम प्यारे बच्चों।